नारी शक्ति सम्मेलन में अपना मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंदगोपाल नंदी जी, राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रीमती गुलाबो देवी जी, श्रीमती नीलमा कटियार जी, श्रीमती संगीता बलवंत बिंद जी, महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, सभी माननीय सांसद और विधायकगण और भारी संख्या में आज प्रयागराज की इस पावन धरती पर मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित सभी बहनें, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आधी आबादी के प्रति जिस दृष्टिकोण को बदलने का कार्य किया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मातृवंदना की योजना हो, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के अभियान को एक नई गति देने की कार्रवाई हो, या फिर हर घर में शौचालय के माध्यम से नारी गरिमा की रक्षा हो, या फिर माताओं को भी संपत्ति पर अधिकार मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकांश मकान जो मिले हैं वह महिला स्वामित्व के ही मिले हैं, नारी को ही प्राप्त हुए हैं। और इस समय जो एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से, हर गांव में, जिस गांव में जमीन पर अगर किसी गरीब का मकान टूट जाता था और दूसरी बार उसे मकान बनाने के लिए कार्रवाई करनी होती थी तो दबंगों के द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था, आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। देश के अंदर आधी आबादी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान लागू किए हैं, उनमें से कुछ कार्यक्रमों का आज प्रधानमंत्री जी ने उन लाभार्थियों के साथ, उन स्वयंसेवी महिला समूहों के साथ और साथ साथ प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस अभियान को कैसे एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्यक्रम चल रहा है। तीन प्रकार के अलग अलग समूहों के संवाद को आप सबने यहां पर देखा होगा, और आज मैं कह सकता हूं कि सचमुच आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से तत्पर थी, 2014 के बाद
वह देखने को मिला है। आज जब गांव गांव में बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की उस कार्रवाई के सपने को साकार करने का कार्य वे करती हैं। यही नहीं, बाल विकास और पुष्टाहार के माध्यम से मिलने वाला पोषाहार, कितनी विसंगतियां और कितनी शिकायतें होती थी, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए प्लांट लगाने के साथ साथ उसके माध्यम से मिलने वाले पोषाहार की क्वालिटी के साथ ही उसके माध्यम से लाखों बहनों को मिलने वाला कार्य हो, वह भी आज नए 202 प्लांट के शुभारंभ का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज यहां प्रारंभ होने जा रहा है। और यही नहीं, आज यहां पर बेटी के जन्म लेने, मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि प्रदेश के कुछ जनपद हैं जिसमें महिला और पुरुष का अनुपात में विसंगति है, इस विसंगति को दूर करना है और इसके लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य होना चाहिए। और उस समय हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मुखबिर योजना चलाई थी कि अगर भ्रूण हत्या करने वाला कोई पापी कोई इस प्रकार का कार्य करेगा तो उसको सजा होगी। उस योजना को आगे बढ़ाने के साथ ही हम लोगों ने उस समय फिर एक योजना लागू की, प्रदेश के अंदर कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने के साथ साथ स्नातक तक की पढ़ाई के साथ 15,000 की राशि अलग अलग चरणों में प्रदान करने की कार्रवाई। और ये आज प्रदेश के अंदर महिला और पुरुष के अनुपात को बेहतर करने में इसने मदद की। प्रदेश के अंदर नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ने के लिए संगम नगरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सबसे संवाद बनाने के लिए आज यहां पर आए हैं। ये संगम नगरी है, मां गंगा, मां यमुना और माता सरस्वती का संगम यहां पर होता है और नारी गरिमा की प्रतीक हमारी प्रदेश भर के आने वाली माताएं भी आज संगम नगरी में इन बहनों के इस भारी महाकुंभ के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे मजबूती के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नारी गरिमा को बनाए रखते हुए उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। एक बार फिर से मैं आप सबके इस आयोजन के लिए, आप सभी प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, आप सबका भी मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।